मुझे स्कूलों का सहयोग नहीं मिला जितनी मुझे विश्वास था। हो सकता है ये कारण दबाव का कारा हो, या वो ये इतने निश्चिंत हैं कि उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन जो कानून में उसमें क्या है, परवाह का सवाल नहीं, उसमें धारा 7 में ये है कि हमने उनसे डिटेल्स मांगे, विवरण मांगा जो कि उनके लिए देना आवश्यक था। और धारा 7 में ये था लिखा हुआ था कि आप जो है जितने आप प्राप्त कर रहे हैं फीस वो उसका विवरण देंगे और आपके खर्चे वगैरह स्टूडेंट की संख्या वगैरह देंगे। जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से हमने ये सूचनाएँ मांगी थी, लेकिन हमको बहुत कम स्कूलों का सहयोग मिला। कोई मान रहे थे कुछ है नहीं, लेकिन हमने थोड़ी सख्ती बरतना शुरू किया है, क्योंकि हमको धारा 7 में अधिकार प्राप्त है कि हम किसी भी स्कूल की जो हमारे आदेश का उल्लंघन करें उसकी मान्यता समाप्त करने के लिए अनुशंसा कर सकते हैं। और धारा 9 में ये प्रावधान है कि उसमें 1 साल से 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और 50,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। तो अगर इस आदेश की पालना नहीं होगी, लेकिन हम नहीं चाहते हैं केवल इसको भय के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं। तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं कि भय भी नोवे नफरीत, हमारी इच्छा ये नहीं है कि हम किसी के खिलाफ हार्श एक्शन कोई लें। और अभी धीरे 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 सहयोग बनने लगा है। प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें फ़ीस स्ट्रक्चर को लेके और बच्चों के जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं, जो बेसिक फैसिलिटेशन होती है बच्चे की, उसके ऊपर मतलब पेरेंट्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है, बिकॉज दे आर इंक्रीजिंग फीस एंड ट्रांसपोर्टेशन फीस ऑन मंथली क्वार्टरली बेसिस। निर्धारण के लिए बिल तो लाना चाहिए, और उसको लाने से पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उसके कारण क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज ना हो। जो वो दे रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए फीस का निर्धारण तो ज़्यादा बढ़िया होगा, अन्यथा फिर छात्रों के साथ भी अन्याय हो सकता है। पहलू के बीच कहीं ना कहीं आरटीई का भी सवाल खड़ा होता है। दिनेश कंवर साहब, आपको लगता है कि इस आड़ में कहीं आरटीई का भी उल्लंघन हो रहा है, जो राइट टू एजुकेशन है उसको लेकर निजी स्कूल सजग नहीं है? ऐसे हालात में फीस निर्धारण पर बार बार जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल, आरटीई का अगर सही अर्थों में पूछो तो अभी तक आरटीई पूर्ण रूप से लागू हो ही नहीं पाई। आरटीई का कहीं निजी स्कूल उल्लंघन कर रहे हैं और कहीं निजी स्कूल की पालना की तरफ कदम भी बढ़ा रहे हैं, तो शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी अपनी जो कार्य प्रणाली है उससे उनके बीच में जो मनमुटाव चल रहा है उसके कारण बच्चे सफर तो अभी भी कर रहे हैं। पिछले सत्र में भी लगभग 22 बच्चों को बीच सत्र के बीच में जब उनको निष्कासित कर दिया, हमने कोर्ट के माध्यम से उनको वापस स्कूल के अंदर प्रवेश दिलवाया था। तो आरटी का अभी तक पूर्णतः जस्टिफाई ना तो शिक्षा विभाग कर पाया और ना ही निजी स्कूल उसके प्रति जागरूक हो पाए, बल्कि उसको एक बोझ समझ रहे, जबरदस्ती सरकार द्वारा उनके ऊपर थोपा हुआ कदम मान के निजी स्कूल उनको स्वीकार करते हैं। उनकी कहीं कोई इच्छा नहीं है कि इन बच्चों को हम पढ़ा पाए या इन बच्चों को शिक्षा दिला पाए, सिर्फ वो इसको एक सरकार के द्वारा अपने ऊपर थोपा हुआ कदम मानकर निर्वहन कर रहे हैं, एक तरह से अपनी इच्छा शक्ति उसके साथ जोड़ ही नहीं पा रहे अभी तक, और उसका खामियाजा बच्चों को काफी हद तक भुगतना भी पड़ रहा है। जी चलिए, टीचर्स की एसोसिएशन से नेता हैं और अजमेर से कैलाश चंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार कैलाश जी। कैलाश जी सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। मैं राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन एसोसिएशन अजमेर का प्रदेश अध्यक्ष कैलाश शर्मा बोल रहा हूँ। बताए सर, पहले तो आप सभी को चैनल परिवार को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। शुक्रिया सर। और सभी अभिभावक और निजी विद्यालय के संचालकों को भी शुभकामनाएं। सरकार ने जो फीस एक्ट लागू कर रखा है जी, ये हम इसका घोर विरोध कर रहे हैं। हम सरकार को ये चेतना जी, आप विरोध क्यों कर रहे हैं बताएंगे इस मसले पर? हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमें किसी प्रकार की आर्थिक सहायता हमें सरकार नहीं देती है। जब हम हमारी आधारभूत सुविधाओं के आधार पर हम फीस का निर्धारण करते हैं तो ऐसी, हाँ जी जी सर। चलिए बिल्कुल, सरकार सहयोग नहीं दे रही तो फिर सरकार को नियम थोपने का क्या मतलब? भागचंद जी भरतपुर से नमस्कार। भागचंद जी आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए। हेमलता जी, क्या स्कूल डेवलपमेंट फंड अगर जोड़ दिया जाए तो फिर महाराष्ट्र पैटर्न स्वीकार्य होगा? सर इसके लिए मैं, बिकॉज हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फी एक्ट, जो अभी नया प्रपोज्ड एक्ट आया है, मैं ये कह रही हूँ कि हम नकल क्यों करें। तमिलनाडु पैटर्न की अगर मैं बात करती हूँ तो वहाँ पे परिस्थितियां अलग है, वहाँ पे कलेक्टर का बच्चा भी सरकारी स्कूल में जाता है, वहाँ पे वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। महाराष्ट्र में अगर एक्ट की बात करते हैं तो व्हाई वी आर कॉपिंग महाराष्ट्र एक्ट, महाराष्ट्र एक्ट में खामियां थी तभी तो वहाँ पे स्टे आया।
हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक बीच का ऐसा रास्ता निकालो। हम भी नहीं चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल कोई भी मुनाफाखोरी करे, क्योंकि हम अभिभावक से दूर नहीं है। आप मानती हैं कुछ तो करते हैं, इसका मतलब कुछ तो करते हैं। मैं बता रही हूँ, और सुप्रीम कोर्ट भी कभी ये नहीं कहता है कि देयर शुड बी एक्ट। सुप्रीम कोर्ट हमेशा ये बात कहता है कि देयर शुड बी मैकेनिज्म, ताकि बड़े स्कूल की है मुनाफाखोरी रोकी जाए। अब अगर शिव कुमार जी ने कहा था तमिलनाडु का जो एक्ट है वो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की ओर से वो गलत है, वो एक्ट ही गलत है। तमिलनाडु में मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ की परिस्थिति अलग है। वहाँ भाई एक कलेक्टर का बच्चा सरकारी स्कूल में जा सकता है, यहाँ पे 84,000 तो पद खाली पड़े हैं सरकार में। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि देवनानी जी पहले अपना घर क्यों नहीं देखते। वहाँ आग लगी हुई है, वहाँ पे बच्चों के आज तक वो टॉयलेट नहीं दे पाए हैं सर। साल भर हो गया, 2 साल हो रहे हैं, और वो प्राइवेट सरकारी स्कूलों के हालात पर भी बात कर लूंगा। क्यों नहीं प्राइवेट स्कूल के हालात को आप बार बार सरकार पर ले जा रही हैं? दिनेश जी क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हेमलता जी बार बार सरकारी विद्यालयों के बारे में चर्चा कर रही है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मुद्दा निजी स्कूलों का है, और निजी स्कूलों पे मुद्दा इसलिए बना है, इसलिए एक्ट बन रहा है कि आपकी लूट खसोट से अभिभावक तंग आ गया, अभिभावक सड़कों पर आ गया आपकी लूट खसोट से। जब ये परिस्थितियां बनी है तब जाकर कानून बन रहा है। कहीं ना कोई कोई आपराधिक गतिविधि बनता है, उसके ऊपर लॉ बनते हैं। तो इसी तरह जब ये स्थितियां जब काबू से बाहर हो रही है, तब सरकार को पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं अभिभावक बुरी तरह शोषित हो रहा है, तब जाकर। बिल्कुल बिल्कुल, दो कॉलर से उसके बाद जैन साहब आपका विरोध करूंगा। दिनेश जी, कि जब आप बोल रहे हो कि तमिलनाडु या महाराष्ट्र एक्ट, तो कोई चीज अगर पहले से लागू है और उसका अध्ययन करके राज्य में अगर उस तरह की कोई व्यवस्था बैठ सकती है और उसमें कोई कमियां दूर करके भी लागू किया जाएगा। लेकिन अपन कोई चीज मेट्रो लाएं तो दिल्ली जैसी क्यों ला रहे हैं, जापान जैसी क्यों ला रहे हैं, जब ऑलरेडी आ चुकी है तो उसका अध्ययन तो किया ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्या इंतजार करना चाहिए? जैन साहब के लिए यही सवाल रहेगा। दिनेश जी सीकर से और इंद्र ओझा जी बीकानेर से हमारे साथ है। दिनेश जी पहले आपके पास आ रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार पारिक साहब। बताइए सर, सबसे पहले तो आपको जो ये विषय है शिक्षा का, इस पर आपने ये बहस रखी है, उसके लिए धन्यवाद। शुक्रिया सर। शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे विषय है कि जनता की सेवा करनी चाहिए, उसको मुनाफे का धंधा नहीं बनाना चाहिए। मेरे पास 2-3 विद्यालय है, उनका विवरण शुल्क का जो है 2015-16 का वो मेरे पास है। उन्होंने कुछ नियम शर्तें लिख रखे हैं कि अगर किस समय पर जमा नहीं कराओगे तो 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से विलंब शुल्क अतिरिक्त देना होगा। हॉस्टल में और बस के लिए अगर आपने शुल्क जमा करा दिया तो 7 दिन में अगर आप छोड़ दोगे तो 20% कटौती, वरना सारा शुल्क ले लिया जाएगा। उस हॉस्टल में वो दूसरे बच्चे को भी रखेंगे, उस बस से दूसरे को। ये बहुत बड़ा शोषण निजी संस्थाएं कर रही हैं। इन निजी संस्थाओं पर रोक लगनी चाहिए अभिभावकों के लिहाज से और छात्रों के लिहाज से। और हमारे यहाँ एक स्कूल ऐसी है जहाँ अगर अंग्रेजी में बात करो तो ठीक है, अगर मातृभाषा में बात कर लो तो बच्चे की पिटाई करते हैं। मैं 4 पंक्तियों से बात समाप्त करना चाहूंगा। कानून जो बनेगा, फाइलों में अफसरों ने बस वही लिखा, दफ्तरों में बाबुओं की चाटुकारिता, देश का भविष्य बस्तों में है दबा, स्कूलों में बच्चों को गुरु रोज मारता, शब्दों के हैं मतलब, मतलब के शब्द हैं, भगत सिंह की क्रांति हो या बापू की उदारता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंद्र ओझा साहब। नमस्कार सनी जी। नमस्कार फारी साहब, आज की जो डिबेट चल रही है उसके बारे में मैं साफ शब्दों में मुझे बात, दो बात रखना चाहता हूँ मैं मेरी। हाँ जी। देखिए इसमें बिल लाए ये फीस तय करने का नहीं लाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं भाई, कृष्ण कोई कहीं का एक्ट लिया जाए जो सत्य था, धरातल की बात है वो करूँ भाई साहब मैं आपके सामने। जी जी बताए। अभिभावकों का अगर इसमें कमेटी में ले लें तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने। हकीकत ये है कि जो जितने भी स्कूल 32,000 स्कूल राजस्थान चल रहे हैं अभी, ये स्कूल जो चलाने वाला संचालक है उनके हिसाब से वही फीस तय करेंगे, वही अगर सरकार कहे तो वो चलाने वाला। बिल्कुल ओझा साहब, इसीलिए बहस है। और क्या एक जैन साहब आपका रुक कर रहा हूँ, धन्यवाद ओझा साहब। क्या इंतजार करना चाहिए? फीस पैटर्न को लेकर जो भी नियम है, जिस राज्य की बात की जा रही है मॉड्यूल को लेकर, उसका इंतजार तो करें। विरोध पहले से हो रहा है। देखिए जब हिंदुस्तान का संविधान बना था तो ऐसा नहीं था कि हमारे सब लोगों ने बैठ के एकदम कोई नया संविधान बना दिया होगा। आयरलैंड से हमने कुछ हमारे फंडामेंटल राइट वो नीति निर्देशक तक तो लिए थे, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स लिए थे और कई सारे कंट्रीज से कुछ लिए थे। इसलिए जब कोई नया कानून बनता है तो निश्चित रूप से जो प्रिवेलेंट लॉ होते हैं उनका अध्ययन करके वो फिर हमारी परिस्थितियों में कितना सुटेबल है उसके अकॉर्डिंग करें। जहाँ तक तमिलनाडु मॉडल की बात है, तमिलनाडु पहला शायद शुरू के उन स्टेट्स में से है जब कैपिटेशन की फीस की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, तब कैपिटेशन फीस रोकने के लिए तमिलनाडु में 1992 में कानून बनाया गया था। और वहाँ पर जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स थे उनको
उनकी फीस स्ट्रक्चर निर्धारित किया गया था, कैपिटल फीस कैपिटेशन फीस पर बेन किया गया था, और उसके बाद फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को उसमें जोड़ा गया। तो धीरे धीरे अब राजस्थान, क्योंकि ये भी एक बात सही है कि सरकार शिक्षा, सर्व शिक्षा, सबको शिक्षा प्रोवाइड करने में, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में असफल रही है, इसलिए प्राइवेट स्कूल एक नेसेसिटी है एजुकेशन देने के लिए बच्चों को, और क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। और कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, हम ये तो उम्मीद नहीं करते कि वो अपना घर फूंक के स्कूल चलाएगा, उनको भी एक रीजनेबल, पर अब ये रीजनेबल क्या हो और रीजनेबल कैसे तय हो, ये इसके लिए जो एक्ट है, इसके लार्जर, क्योंकि जैसा लग बता रहे हैं कि शायद इस एक्ट के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, तो इसके लिए सभी अफेक्टेड पार्टी से, जैसे पार्लियामेंट में भी कोई बिल आता है तो उसको सर्कुलेट किया जाता सरकार है, थोपे ना, आप ही कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल डिस्कस करके जी। और जो रीजनेबल थिंग, क्योंकि हर एक पक्ष जो भी अफेक्टेड है उसकी बात उसमें सुनी जानी चाहिए। किशन मित्तल साहब, आप कुछ कहेंगे? ऐसा है, हमने शिक्षा सचिव से और सरकार से बात करी, हमने कहा 15% तक और फीस बढ़ाने की हमको छूट दी जाए प्रबंध समिति को, उसके बाद अगर कोई फीस बढ़ाते हैं तब वो कमेटी बनाई जाए और किसी प्रकार का कोई और वो बनाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप 15% से पहले कर देंगे तो स्थितियां बहुत खराब हो जाएंगी, ठीक है, एक बात ये। और दूसरा, लेकिन जो आरोप लगे कुछ स्कूल मनमानी करते हैं उसके चक्कर में, हो सकता है कि 70% 80% ठीक काम कर रहे हो लेकिन 20% अगर गलत कर रहे हैं तो फिर उन पर लगाम कैसे लगाई जाए? नहीं, उसके लिए एक्ट बनाई है ना, लेकिन यहाँ की राजस्थान की परिस्थिति के हिसाब से बनाइए, ये नहीं कि आप तमिलनाडु महाराष्ट्र का उठा लाए आप, ठीक है ना, अपना बनाइए आप यहाँ से। हेमलता जी आ रहा हूँ आपके पास में, रमेश जी टोंक से और विजय सोनी जी जयपुर से अपनी राय के साथ जुड़े। रमेश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, बताएं सर क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ साहब जी कि जिस प्रकार से आज गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही है और सरकार अपनी ओर से नए नए कानून लगाती है, नई नई बातें करती है, फीस निर्धारण का अधिकार जी, फीस निर्धारण का अधिकार स्कूल की प्रबंध समिति को होना चाहिए, क्योंकि ये ऑटोनोमस बॉडी है, स्ववित्त पोषी संस्था है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल आपका पक्ष मैं रखूंगा उस बात को। विजय सोनी जी क्या कहना चाह रहे हैं? सर नमस्कार। सर जी, सर नमस्कार। सर ये अक्सर मैंने देखा है कि कुछ स्कूल है ना लूट के अलावा और कुछ नहीं करते और बच्चों को सुविधा भी नहीं मिलती पूरी, कोई स्कूल ड्रेस किताबें वगैरह सब वहीं से थोप। अगर स्कूल सुविधा दे तो फिर फीस बढ़ोतरी जायज है? नहीं सर, वो जो नियम हो उसके गरीब जनता को फायदा हो ऐसा नियम हो तो बेहतर है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहा हूँ मैं आप ही के पास आऊंगा और जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से इस मसले को समझा जाए। फीस को लेकर दो राय, एक तरफ शिक्षण संस्थाएं मानती है कि अधिकार उनको मिले लेकिन पेरेंट्स मानते हैं कि अधिकार मिला तो कहीं ना कहीं शोषण होगा। छोटा सा ब्रेक, चर्चा में वापसी हूँ। इससे क्या है, शिक्षकों की मनमानी नहीं होगी और वो बेवजह है जो क्या अनावश्यक रूप से छात्रों को है जो परेशान भी नहीं करेंगे। फीस को लेके निजी स्कूल मनमानी इसलिए करते हैं कि वो जब भी चाहें अपनी फीस बढ़ा देते हैं और जब चाहें वो कम कर देते हैं, इससे कि जो नॉर्मल इंसान है वो मतलब हर कोई तो अफोर्डेबल नहीं कर सकता भाई। अब सब है, सारे इंसान हैं, कोई मतलब किसी की पे कम है, किसी की ज़्यादा है, और साथ के साथ ये भी बोलते हैं कि हाँ तुम्हें ये असाइनमेंट बनाना है, ये असाइनमेंट बनाना है, तुम इसके लिए इतने पे करने पड़ेंगे, इतने पड़े, तो हाँ मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मनमानी करते हैं वो।